नमस्कार किसान साथियों, शिवपाल गोट फार्म में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कम खर्च में बकरी पालन कैसे करें और बकरी पालन के साथ साथ पोल्ट्री यानी कि मुर्गा पालन। देख सकते हैं इसमें हैं 10 हैं इसमें पोल्ट्री मुर्गा पालन यानी कि और बकरी पालन कैसे करें। सबसे पहले हम आपको बच्चों का दिखा देते हैं और फिर बकरियों को आपको दिखाएंगे नज़दीकी से। ये देखिए बच्चों का रहने का व्यवस्था और देखिए इन सबों का खाने के लिए देखिए जो ट्रे बना है। देखिए हम लोग घर पे बनाए हैं कैसे देसी जुगाड़ देख सकते हैं। और देखिए कितना सस्ता है, बस देखिए मात्र 1000 में बच्चों का रहने का जगह देखिए हो गया है। इसमें 30 से 40 बच्चे रह सकते हैं आराम से एकदम। तो आपको भी ऐसा ही बच्चों का अगर आपके पास जुगाड़ नहीं तो आपको ऐसा ही बनवाना चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा लाभ हो। और ये देखिए हमारा ब्रीडर है तोतापरी में, और यह फॉर सेल के लिए है और इसका वजन इसमें 50 से 60 केजी के आसपास है। और सभी बकरियां ये जितने आपको बकरियां दिख रही हैं इसमें सभी फॉर सेल के लिए हैं। और यह देखिए 4 महीने की प्रेग्नेंट है और ये भी फॉर सेल के लिए है। और ये भी देखिए प्रेग्नेंट है, और ये जमुनापारी में बकरी है ये भी प्रेग्नेंट है। इसमें 4-5 बकरियां प्रेग्नेंट है और 4-5 बच्चे इसमें बकरी बच्चा दे चुकी हैं। तो देखिए आखिर क्यों आप बकरी पालन छोड़ के चले जाते हैं, सबसे पहले उसका रीज़न जानिए। और आखिर क्यों सभी लोगों के बच्चे और बकरी ग्रोथ करते हैं आपके ग्रोथ नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको ठंड में या बरसात में जो ख़राब पानी रहता है यानी कि जो बारिश के मौसम से पानी जम जाता है, अगर आपकी बकरियां चरती हैं तब उस पानी को पीने ना दें। नहीं तो उसको पी लेने के बाद इस बार ठंडी से बकरियां 13% मरी हैं और इस बार 20% बकरी फार्म बंद हो गए इसी के लिए कि अभी नए नए बकरी पालन थे और 20 से 30 बकरी ख़रीद कर लाए हैं और उनकी 5-6 बकरियां ऐसे ही फ्री में चली गई। तो आपको यह नहीं करना है, वो सब पानी नहीं पिलाना है और इन्हें ठंड में हरा चारा से थोड़ा दूरी बनाना है। अब इस समय जो फरवरी का मौसम आ गया है, ये तो देखिए सुबह ही देखिए धूप हो गया है, इन सबों के रहने के लिए यह अच्छा मौसम है बकरियों और बकरों को। तो अच्छा आखिर क्यों आपकी बकरियां भारी वेट की नहीं होती हैं, देखिए ये 4 महीने की ये एक बच्चे देती है और इसकी काफ़ी हाइट है, 37 इंच हाइट होगी और इसकी लंबाई भी देख सकते हैं जमुनापारी में है। और इसका देख सकते हैं थन भी आप, और ये देखिए ये देखिए इसको आप नज़दीकी से दिखा देते हैं। ये देखिए 2 दांत लगाया है अभी हाल ही में, देखिए 2 दांत लगाया है और ये शानदार ब्रीडर है और ये फॉर सेल के लिए है। इसका प्राइस है 27,000। और आखिर आपकी बकरियां ग्रोथ क्यों नहीं करती हैं, सबसे पहले आपको अपने बकरियों को कीड़ी की दवा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन्हें नीम की पत्ती 1 हफ्ते में कम से कम 2 बार खिलाई दीजिएगा। महीने में 4 से 5 बार खिला देते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि खिलाएंगे तो उन बकरियों के अंदर कीड़ी नहीं होंगी और उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी बकरियाँ जल्द से जल्द बच्चा देकर हीट पे आएंगी, क्योंकि उसके नहीं देने के कारण आपकी बकरियाँ 4 से 5 महीने भी हो जाते हैं इसलिए हीट पर नहीं आती हैं। देखिए बच्चों के रहने के लिए है, देखिए क्या इसमें देखिए, बस देखिए क्या इसमें कला की गई है, कुछ नहीं क्योंकि। और ये देखिए जो ट्रे बनवा में लगता है ये कम से कम 20 बकरियों को होगा, दो तो ये दोनों 3500 का पड़ गया है यानी कि समझिए 4000 के आसपास पूरा पड़ जाएगा आपको। तो आपको बकरी पालन के साथ साथ पोल्ट्री यानी मुर्गा पालन का भी लाभ उठा सकते हैं। आप जो बकरियां आपकी जो ये रहते हैं ये मुर्गा पालन को आपको चारा डालने की ज़रूरत नहीं, आप खोल देंगे तो
यहीं पे घूम के ये सब चर लेंगे और आपको मुर्गा पालन में भी फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर आप 20 से 30 बकरी रखते हैं तो आपको कम से कम 20 मुर्गे यानी कि 30 मुर्गियाँ आराम से रख सकते हैं आप बिना चारा पे। और हम लोग ये फॉर सेल के लिए है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में लिख देगा भाई।